ये बैगन फ्राई बनाने का जानेंगे राज, तो बनाकर खाएंगे आज। यहाँ पर 500 ग्राम बैगन लिए हैं, इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। कुछ मसाला लिए हैं, पीला सरसों, एक पोट लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इस सब को पीस कर पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से पीस कर इसका पेस्ट बना लिए हैं। तो सबसे पहले बैगन को काट लेती हूँ। इसी तरह से सभी बैगन को काट लेंगे। सभी बैगन को काट लिए हैं, अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। सबसे पहले इस पीसे हुए मसाला को एक बड़े बर्तन में रख लेती हूँ। यहाँ पर 2 छोटा चम्मच पानी डाले हैं। अब इसमें जाएगा सभी सूखा मसाला, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी गरम मसाला 1 चम्मच, नमक, सभी सूखा मसाला इसमें डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। सभी मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसमें बैगन डालकर मसाला को बैगन में इस तरह से लगा लेना है। इसी तरह से सभी बैगन में मसाला को लगा लेना है। अब इसे फ्राई कर लेती हूँ। बैगन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाले हैं। तेल को गर्म होते ही इसमें जाएगा फ्राई होने के लिए बैगन। बैगन को तेल में डाल दिए हैं। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाना है। बैगन को पलट दिए हैं। दूसरे साइड से भी बैगन को 2 से 3 मिनट ढककर पकाना है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। बैगन अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से सभी बैगन को फ्राई कर लेंगे। ये मसाला बैगन फ्राई पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे रोटी, पराठा, चावल, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।